तो एक तरफ जहां भीषण गर्मी हो रही है तो वहीं लगातार हो रही बिजली कटौती से आम लोग परेशान हैं। ऐसे में लगातार हो रही इस कटौती से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी 24 घंटे बिजली का वादा करके सरकार में आई थी और अब 4 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। मौके पर कार्यकर्ताओं ने अधीक्षक अभियंता को ज्ञापन सौंप बिजली कटौती को लेकर कहा कि 3 दिन के अंदर अगर बिजली कटौती पर अंकुश नहीं लगता तो प्रदर्शन और बड़ा होगा। ज्ञाप अभिलंब बिजली की व्यवस्था उनका खिलाफ हम लोगों ने किया, प्रदर्शन किया यहाँ और उनसे कहा कि अगर 2 से 3 दिन में, उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में ये स्थिति है और 2-3 उनके जो बिजली घरे हैं वहाँ कम बिजली पैदा हो रही है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये तो सरकार का फेलुअर है। अगर बिजली कम पैदा हो रही है, जो सरकार 24 घंटा बिजली देने की बात कही थी वह 4 घंटे भी बिजली नहीं दे पा रही है, उन्हीं के अधिशासी अभियंता ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार बिजली नहीं बना पा रही है, तो निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए घूम मरने की।